नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 11, आपके साथ मैं हूं जया। हरियाणा और महाराष्ट्र में वोटों की गिनती जारी है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, वहीं हरियाणा में कांटे की टक्कर है। हरियाणा में सरकार बनाने की कोशिशें जारी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकार बनाने के लिए कोई भी फैसला अपने दम पर लेने की आजादी दी है। आलाकमान से संदेश भेजा गया कि हुड्डा जो भी फैसला लेंगे वह पार्टी को मान्य होगा। जेजेपी को मुख्यमंत्री पद देना है या नहीं, इस बारे में फैसला लेने के लिए हुड्डा को खुली छूट दी गई। इस बीच बीजेपी आलाकमान ने मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली तलब किया है। जेजेपी ने जहां सीएम पद की शर्त के साथ कांग्रेस को समर्थन का ऑफर दे दिया, वहीं बीजेपी भी जेजेपी से संपर्क साध रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी अपने तय कार्यक्रम रद्द कर सरकार बनाने की चर्चा शुरू कर दी है। तो हरियाणा में टाई पर मुकाबला पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। हरियाणा में बीजेपी 35 और कांग्रेस 35 पे है। अब देखना यह है कि जेजेपी 10 और अन्य को 10 सीटें मिली हैं। हालांकि जेजेपी ने कांग्रेस का साथ देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लगातार इस जुगत में है कि जेजेपी को कैसे साथ लाया जाए और फिर बहुमत के आंकड़े को छुआ जाए। हरियाणा में बीजेपी को 35 और कांग्रेस को भी 35 है। जेजेपी 10 और अन्य दलों को भी 10 सीटें मिली हैं। हरियाणा से बड़ी खबर बताना चाहेंगे आपको, जहां टाई हो चुका है। हरियाणा में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, हालांकि महाराष्ट्र में तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके बाद सरकार बनाने की कवायद भी तेज होने लगी। जेजेपी ने जहां सीएम पद की शर्त के साथ कांग्रेस को समर्थन का ऑफर दे दिया, वहीं बीजेपी भी जेजेपी से संपर्क साध रही है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली तलब किया। खट्टर आज दोपहर ही दिल्ली पहुंच रहे हैं। जनता ने किस रुख अपना किया है, मगर मेरा ये मानना है कि जो प्यार एक एक वोटर का मिला, जिस तरीके से ताकत एक एक वोटर ने दी, हरियाणा बदलाव चाहता है। बदलाव 5 साल के अंदर प्रदेश को जलाने वालों के प्रति, 5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर इनोसेंट लोगों की जान लेने वालों के प्रति, 5 साल के अंदर जिन लोगों ने प्रदेश को खोखला किया उनके प्रति। विषय की गर्व में है कि जननायक जनता पार्टी किसके साथ जाएगी। हमारा ये निर्णय है कि हम पहले विधायक दल की बैठक बुलाकर, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे, तमाम साथियों से चर्चा कर इस पर निर्णय लेंगे। बीजेपी के साथ जाने में कोई परहेज नहीं होगी दुष्यंत चौटाला को? बीजेपी के साथ जाना है, कांग्रेस के साथ जाना है, विपक्ष में बैठना है, ये निर्णय कोई अकेला दुष्यंत चौटाला नहीं ले सकता। 11 महीने में जिस जिस साथी ने संगठन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग दिया है, एक एक साथी से चर्चा कर ही इस पर हम निर्णय, तो समय बताएगा। महाराष्ट्र और हरियाणा में आज सुबह से ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, लेकिन हरियाणा में अभी भी पेंच फंसा हुआ है। बताना चाहेंगे आपको, हरियाणा में कुल सीटें जो हैं वो 90 हैं, और ऐसे में बीजेपी के लिए पार पाना अब थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दलित तलब किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, और किस तरह से बातचीत होती है और बीच का रास्ता क्या निकल कर सामने आ पाता है। हालांकि स्टूडियो का रुख कर लेंगे, जहां इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद प्रतिनिधि राजकिशोर जी हैं। राजकिशोर जी, पहले तो आपका न्यूज 11 में स्वागत है। महाराष्ट्र में तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, हरियाणा में पेंच फंसी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ हरियाणा में, कहां चूक हुई, आपको क्या लगता है? अभी तक का जो रुझान है वह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही फैसला जाने वाला है, और निश्चित रूप से वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। थोड़ा समय की प्रतीक्षा करें। राजकिशोर जी, जेजेपी ने 10 सीटें लाई हैं और उसने खुला ऑफर किया है कि वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, और
अब बात यह हो रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस जुगत में जुड़ लगे हुए हैं कि आखिरकार किस तरह से उन्हें मनाया जाता है, तो क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल बड़े अधिकारी अपने लगे हुए हैं और हम लोग सभी यह उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बननी है हरियाणा में। लेकिन जिस तरह से नारा दिया जा रहा था कि 70 पार कर लिया जाएगा हरियाणा में ही, और शुरू से ही इसी मिशन के साथ भी चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि या छूट तो जरूर हुई है, जिसके कारण जो सीटें हैं वो आपकी कम हो गई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई चूक रही होगी, इस पे राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी लोग मंथन जरूर करेंगे और ये पक्का है कि हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ आना और फिर विधानसभा चुनाव में पलटी खा जाना, कहीं ना कहीं जो जनता है, क्या उनके मूड में बदलाव देखने को मिला जिस कारण जो वोटिंग हुई उसमें कम अंक लेकर आए हैं आप बीजेपी वाले? दोनों चुनाव में थोड़ा तो मैंने विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर आधारित है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रही होंगी या लोगों की अपेक्षा जो रही है उस पर वहाँ की सरकार खरी नहीं उतरी, जिसके वजह से लोगों में नाराजगी के कारण भी अपने यहाँ सीट कम आई है। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ भी ये टारगेट किया गया है, 65+ का नारा दिया गया है, बीजेपी जुगत में लगी हुई है, क्या कहीं हरियाणा वाला परिणाम झारखंड में भी तो नहीं आ जाएगा? नहीं नहीं, हरियाणा और झारखंड दोनों के राजनीतिक पृष्ठभूमि में अंतर है और झारखंड में निश्चित, लेकिन दावे तो आप पहले भी कर रहे थे कि वहां भी 70 पार कर लिया जाएगा, जो लोग हैं वो सपोर्ट में है बीजेपी की और बीजेपी लगातार काम भी कर रही है, कई तरह से आपने वादे भी गिनाए, नारे भी गिनाए, बावजूद इसके जनता का मोह भंग क्यों हो गया बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, खैर ये तो बात सच्चाई है कि जनता ही माने भगवान है इस राजनीति में और जनता के मूड को समझना मुश्किल भी है, लेकिन हमारे झारखंड और हरियाणा में, ये दोनों में बिल्कुल बताए मैंने कि राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग है, यहाँ विकास अपने चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस झारखंड के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं जिसका नतीजा निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जरूर वोट देकर, बिल्कुल कई सारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी जिसे झारखंड में चलाया जा रहा है और उनका फायदा भी हो रहा है, लेकिन कई ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं राजकिशोर जी जो आज तक यहां के लोगों को मैसर नहीं हो पाई है, और बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए ही विधानसभा के चुनाव में जो प्रतिनिधि उतरते हैं और जो जनता जनार्दन है उनका मूड भी इसी ओर जाता है। बिल्कुल, और लोगों को और जनप्रतिनिधि को खास करके स्थानीय और जो बुनियादी समस्याओं का समाधान करना बहुत जरूरी है, और अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर ही बातें करें और नीचे जो बुनियादी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती है तो निश्चित रूप से जनता की नाराजगी सामने आती है और उसका रिजल्ट भी बुरा होता है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है, काम हुआ है, विकास का काम हो रहा है। लेकिन खुद रघुवर सरकार ने तो ये कहा था कि 2019 तक अगर हर घर बिजली नहीं होगी तो वोट नहीं मांगेंगे, आप खुद ईमानदारी से बता दीजिए कि क्या हर घर में बिजली पहुंची है? अभी भी कई गांव ऐसे हैं, कई तबके ऐसे हैं जहां बिजली की समस्या से लोगों को रोज दो चार होना पड़ रहा है। बिजली का आना जाना, बिजली का आंख मिचौनी वो जारी है, लेकिन रघुवर सरकार ने अपने समय में जितना काम किया बिजली के क्षेत्र में उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, और लगभग 90% से ज़्यादा गांव में बिजली पहुंची है, इसका मैंने श्रेय भारतीय जनता पार्टी और रघुवर सरकार को जाता है। लेकिन फिर भी कई ऐसे गांव बचे हैं राजकिशोर जी जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची, सड़कें नहीं बनी है, बुनियादी सुविधाएं जो है वो पूरी तरह से खस्ता हाल है, तो फिर जनता के मूड बदलने में भी वक्त नहीं लगता, जिस तरह से हरियाणा के परिणाम सामने आ रहे हैं, जनता भी जागरूक है और समझदार है। मैं मानता हूं कि हर घर तक बिजली नहीं पहुंची है या हर गांव में सड़क नहीं बन पाई है, लेकिन योजना में कहीं कमी नहीं है, सरकार अपने प्रयास मैंने प्रयासरत है, जिस क्षेत्र में जिस गांव में जिस मोहल्ले में बिजली नहीं है सड़क नहीं है उसके लिए सरकार पूरी संजीदगी से काम कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी गाँव में मैंने 100% गाँव में सड़क बिजली की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। चलिए, तो आप मानते हैं कि आने वाले समय में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी ने जिस तरह से काम किया है उसे देखते हुए जनता वोट करेगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के काम के आधार पे ही यहाँ के लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।
बिल्कुल, विश्वास तो हर किसी को रहता है, लेकिन जनता काफी जागरूक हो चुकी है और जनता समझदार भी है। जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र के परिणाम जो हैं वो लगभग धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की तो तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन पिछली दफा जहाँ हरियाणा ने बहुमत लाया था, वहीं इस बार हरियाणा में पीछे जा रही है बीजेपी, और बीजेपी के लिए भी ये चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हो या फिर तमाम बड़े नेता इस जुगत में लगे हैं कि आखिरकार हरियाणा को किस तरह से बचाया जाए। जेजेपी से लगातार संपर्क भी साधा जा रहा है, सिर्फ बीजेपी से ही हमारे साथ राजकिशोर जी जुड़े हुए हैं, विपक्ष के पार्टी के नेता अभी नहीं पहुंचे हैं, इसलिए राजकिशोर जी से ही सवाल बनता है। राजकिशोर जी, बड़े बड़े दावे और वादे चुनाव के वक्त तो कर दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जब जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच नहीं जाते। अगर लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो खुद बीजेपी के ही धनबाद से पीएन सिंह को जनता ने नकार दिया था जब वो उनके पास गए थे। चतरा से सुनील सिंह को जनता ने नकारा था कि आप 5 साल काम किए नहीं और 5 साल के बाद आए, लेकिन मोदी मैजिक तो काम कर गया था। इस बार कौन सा मैजिक चलेगा? इस बार भी मोदी मैजिक ही काम करेगा, और रघुवर सरकार की जो विकासशील योजनाओं का उन्होंने यहाँ कार्य किया है, विकास का काम झारखंड में किया है, और रघुवर जी के प्रयास और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो किया हुआ काम है वही इनको फिर से सत्ता में लाएगा। लेकिन संथाल और कोल्हान जिस पर लगातार जमम का कब्जा रहा है और जमम का गढ़ भी इसे माना जाता रहा है, उसे किस तरह से बीजेपी साध रही है? इस बार संथाल पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं भी नहीं रहेगा इस चुनाव में, ये मैंने मेरा दावा है और लोगों का रुझान है। लेकिन विपक्ष की तरफ से तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो बीजेपी कर रही है, दूसरे दलों के विधायकों को तोड़ कर अपने में ला रही है और उसके बाद अपना गुणगान कर रही है। ये कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं है, जिनको हमारे भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांतों में विश्वास है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी एक लोकतंत्र माने पार्टी है और इसमें सभी का स्वागत है, जो इनकी निष्ठा इनके सिद्धांत को मानता है उनका हम स्वागत करते हैं, और ऐसे लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के में आज आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, तो जो लोग भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए है और सवाल ये उठता है कि जिस तरह से बीजेपी ने बूथ बनाया है, एक संगठन बनाया और उसी के आधार पर झारखंड में काम हो रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के परिणाम अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, अब देखना ये है कि आखिरकार सरकार किसकी बनती है। बीजेपी से राजकिशोर जी हमारे साथ जुड़े थे। राजकिशोर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो जनता का मन क्या है? महाराष्ट्र में तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, शिवसेना बनाएगी सरकार, लेकिन हरियाणा में पेंच अभी भी फंसा हुआ है। खट्टर को दिल्ली तलब किया गया और हुड्डा को फ्री हैंड बनाया गया है। तो हरियाणा में बहुमत से दूर है बीजेपी, अमित शाह लगातार जुटे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह की फटकार के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और किंग मेकर की भूमिका में जेजेपी है। जेजेपी का अब रुख क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो धीरे धीरे परिणाम जो हैं वो साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। इधर अगर हम बात कर ले किशनगंज में, जहां AIMIM प्रत्याशी कमरुल होदा ने भी जीत दर्ज कर ली है और बेलहर से RJD के रामदेव यादव विजयी रहे। समस्तीपुर में LJP प्रत्याशी अभी आगे चल रहे हैं। और सीधे चलेंगे दिल्ली, जहां हमारे सहयोगी ऋषिकेश इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, आज का दिन बेहद खास है, महाराष्ट्र और हरियाणा में परिणाम बस कुछ ही क्षणों के बाद आ जाएंगे। महाराष्ट्र में तो तस्वीरें साफ नजर आ रही है, लेकिन हरियाणा की पेंच जो है वो फंसी हुई है और निगाहें टिकी हुई है JJP पे कि आखिरकार उसका मूड क्या कहता है। ऋषिकेश जया, देखिए जो अभी जानकारी मिल रही है, जो हरियाणा विधानसभा में 9 मंत्री हैं इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जोड़ के, जिसमें से मुख्यमंत्री को छोड़कर के और अनिल विज को छोड़कर 7 मंत्री उनके चुनाव हार चुके हैं। आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई है। जो और भी बड़े नेता हैं वो भी चुनाव हार गए हैं, योगेश्वर दत्त उसमें हैं, गीता फोगाट हैं, ये बड़े नाम हैं जो चुनाव हार चुके हैं।
पांच सीटों का अंतर है, जिसपे अभी भी 1,500, 250, 400 के वोटों का अंतर है, जिसपे लीड लिया गया है और वो कोई भी जीत सकती है। वो बीजेपी के पक्ष में भी जा सकता है, कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकता है, कुछ निर्दलीय के पक्ष में भी जा सकता है। लेकिन जेजेपी के बाद जो बड़ी बात सामने आती है वो राज्यपाल की भूमिका पर है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, 40 के आसपास अगर उसका आंकड़ा पहुंचता है, तो पहले राज्यपाल सरकार बनाने का न्योता बीजेपी को देंगे, इस बात के लिए सोचा जा रहा है। और कांग्रेस को डर, उनके रणनीतिकारों को डर इसी बात का है कि प्रीपोल अलायंस या पोस्ट पोल अलायंस, क्योंकि प्रीपोल अलायंस में कोई नहीं था, कांग्रेस अपने बूते चुनाव लड़ रही थी, जेजेपी अपने बूते चुनाव लड़ रही है, अब बीजेपी अपने बूते चुनाव लड़ रही है, तो बगैर किसी अलायंस के अगर ये लोग सरकार बनाने का दावा भी करेगी कांग्रेस और जेजेपी, तब भी राज्यपाल की भूमिका सबसे बड़ी होगी। और राज्यपाल ये देखना होगा कि किसे सरकार बनाने का न्योता देते हैं। और जो संकेत मिल रहे हैं, जेजेपी ने तो खुला ऑफर दे दिया है कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी अब इस जुगत में लगी है कि जेजेपी को किस तरह से मनाया जाए, पेच तो यहाँ पर फंसा है अभी। देखिए, सीटों की संख्या भी महत्वपूर्ण है जया, क्योंकि 10 सीटें 11 सीटें अभी हालांकि औपचारिक फिगर आना बाकी है, लेकिन सवाल उसके बाद है। राज्यपाल जो सरकार बनाने का न्योता है वो राज्यपाल देते हैं। देखिए, कर्नाटक में स्थिति वही थी, कर्नाटक में सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी उभरी थी, 107 सीटें उसके पास थी और उसे बहुमत से महज 5 सीटें कम थी और सरकार बनाने का न्योता वहां मिला था, जबकि सिद्धारमैया और कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री जेडीएस का होगा, बावजूद उसके गवर्नर ने वहां राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता बीजेपी को दिया। ये अलग बात है कि विश्वास पटल पर जाकर के 7 दिन के बाद जो खास करके वहां की जो सरकार थी बीजेपी की, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया वहां के मुख्यमंत्री ने, और फिर उसके बाद कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी। तो हरियाणा में भी कमोबेश कुछ वही स्थिति दोहराए जाने के आसार है। इंतजार किया जा रहा है जो 4-5 सीटें है, क्योंकि देखिए, अगर 40 का आंकड़ा बीजेपी पार कर लेती है, अगर 41 सीटें जो उसकी बढ़त बनी हुई है 40 या 39 सीटों के आसपास, तो फिर खेल का जो पक्ष है वो बदल जाएगा। खुद अमित साहब नजर रखे हुए हैं और पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है। जितने भी प्रवक्ता हैं उनको कहा गया है कि जेजेपी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करें, संभल कर बोले, तो एक रणनीति बीजेपी की तरफ से काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो ज्यादा हावी है और वो कांग्रेस के पक्ष में एक बातें जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जाटों के तुष्टिकरण की जो राजनीति खास करके हरियाणा में बीजेपी ने की है, उन्हीं जाटों के खिलाफ लोगों ने वोटिंग किया था 2014 में, और क्या वो जाट समीकरण क्या बीजेपी को समर्थन करेगी, क्या जेजेपी के विधायक समर्थन करेंगे बीजेपी के बीजेपी को, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि क्या मनोहर लाल खट्टर इस परिस्थिति में फिर दोबारा मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री खट्टर को बुला लिया गया है दिल्ली, वो दिल्ली पहुंचने वाले होंगे थोड़ी देर के बाद, तो ये सब अभी बहुत सारे पेच है जिसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि राष्ट्रीय मुद्दे पर जो वोटिंग की कोशिश की गई थी, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, 370 का मामला हो, आतंकवाद का मामला हो, वो चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, वो तमाम मुद्दे धरे के धरे रह गए। और जो पार्टी मिशन 75 पार का वादा कर रही थी, जो लक्ष्य था, वो अब 35 और 38 सीटों के आसपास है, तो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल सेटबैक है वोटिंग के परसेंटेज में भी। जब न्यूज 11 गुड़गांव में वोटिंग के दिन रिपोर्टिंग कर रहा था तो बताया कि किस तरीके से जहां 1200 बूथ पर वोट है वहां पे 250 और 300 वोटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि जमीन पर कोई काम नहीं है, स्थानीय मुद्दे नहीं है, तो उस वक्त भी लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जनता की समझदारी, जनता जनार्दन ने जिस तरीके की वोटिंग की है, उससे एक बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी के जो पक्ष में, चाहे वो राष्ट्रवाद की लहर हो, 370, 3 तलाक जैसे मुद्दे पर अभी जनता ने यकीन नहीं किया। और जनता को विधानसभा के चुनाव में अपने स्थानीय मुद्दों की जरूरत होती है, स्थानीय नीति की जरूरत होती है, और स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नीति के मामले में कम से कम बीजेपी को जो बढ़त मिल रही है और जो सीटें मिलती दिख रही है, उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि बीते 5 साल सरकार चलाने के बाद मनोहर लाल खट्टर के लिए कोई सरकार के पक्ष में कोई बड़ा रुझान है या कोई बड़ा बदलाव की बात सामने आई। जनता जो है वो अब ये चाहती है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को पूरा किया जाए, वरना वोट नहीं मिलेगा। 7 मंत्री हार चुके हैं, ये बड़ी बात है। जिस तरह से पिछली बार बीजेपी ने सरकार बनाई थी हरियाणा में, और इस बार बिल्कुल उसके विपरीत देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो जागरूक है, वो समझदार है, जिसके कारण इस तरह से जो वोटिंग की जो फीसदी थी वो बढ़िया थी, लेकिन काउंटिंग के दिन नतीजा बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है।
जया देखिए बिल्कुल जो आंकड़े बता रहे हैं वही बार बार हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 2014 में बीजेपी को अकेले 123 सीटें मिली थी 288 विधानसभा सीटों में से। हाँ। इस बार एनसीपी का अलायंस है, पिछले बार खास करके माफ करिए शिवसेना के साथ अलायंस है, शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़ी थी और बीजेपी बावजूद इसके 123 सीटें लाई थी। इस बार दोनों साथ लड़ रहे हैं और बीजेपी को 100 या 99 या 102 सीटों के आसपास सिमटते दिख रहे हैं, तकरीबन 20 से 22 सीटों का नुकसान हो रहा है। 5 साल सरकार चलाने के बाद अगर आपके पास देवेंद्र फडणवीस के काम बेहतर थे, मोदी सरकार के काम बेहतर थे, तो वो ये संख्या 122 से 130 पहुंचती, 125 पहुंचती तो वो बढ़त मानी जाती, अपने बूते वो बहुमत दिला देते। लेकिन महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं है। बिहार के उपचुनाव के देखिए नतीजे, किशनगंज सीट MIM के खाते में चली गई, वहाँ दुकानदारी बंद हो गई, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति जो करते थे कांग्रेस और RJD। बाई इलेक्शन में 2 सीटों पर RJD जीता, 2 सीटों पर JDU जीती और जो दरौंदा सीट है जिससे अभी कुछ महीने पहले, जो 4 महीने पहले वहाँ से लोकसभा चुनाव जीतकर आए थे अजय की पत्नी, वो दूसरे नंबर पर रहे। शुरू में वो चौथे नंबर पर थे, एक निर्दलीय प्रत्याशी ने उन्हें शिकस्त दे दी। तो कहीं ना कहीं अस्पष्टता अस्पष्ट बिल्कुल है कि लोकसभा में भले ही मोदी उनके राष्ट्रनायक हों, जननायक हों और उन पर लोगों का भरोसा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में जब राज्य सरकार चुनने की बारी आती है तो लोग अपनी सुविधा खोजते हैं, सहूलियत खोजते हैं और वो सुविधाएं और सहूलियत स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नीति के मुताबिक होनी चाहिए, जो स्थानीय रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। और इसका असर झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर होगा। सूत्रों ने तो जो भी जानकारी हमने ली है चुनाव आयोग में, उन्होंने ये कहा कि अब जो चुनाव की तारीखों का ऐलान 29 अक्टूबर जो हम लोग अपने सूत्रों से बता रहे थे, वो तारीख अब आगे एक्सटेंड होगी। हाँ। अब चुनाव की टीम दीपावली के बाद जाएगी झारखंड में, वहाँ वो फिर विश्लेषण करेगी और उसका रिपोर्ट दिया जाएगा। जो पिछले 5 चरणों में चुनाव हुए थे और इस बार वो कहा जा रहा था कि 3 चरणों में कराए जाएंगे या 4 चरणों में कराए जाएंगे, उस पर भी पुनर्विचार हो रहा है कि क्या उसको बढ़ाया जा सकता है। तो एक नतीजे से कई सारे चीजें बदल रही हैं और उसमें बहुत सारे जो डिसीजन हैं वो परिणाम अंतर डाल रहे हैं और इसके लिए इंतजार करना होगा, थोड़ा और वक्त होगा जब बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर होगा। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब बारी झारखंड की आती है और झारखंड में भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 65+ का टारगेट लिया गया है। कुछ विधायक तो ये भी कह रहे हैं कि 70 पार कर लेगी बीजेपी, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के अब नतीजे सामने आ रहे हैं इसे लेकर सोचना होगा। भले ही ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो बूथ को मजबूत करती है, संगठन मजबूत कर आगे बढ़ती है, लेकिन अब जो परिणाम आए हैं उसे लेकर सोचने की जरूरत है कि झारखंड को किस तरह से फतह किया जाए। देखिए जया, हमारे साथ शास्त्री जी हैं, स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन। सर, लोग पूछ रहे हैं कि हरियाणा में 9 में से 7 मंत्री आपके हार जा रहे हैं, जिस तरीके के नतीजे हैं, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद की लहर थी मोदी सरकार के लिए, जो 303 सीटें दिया लोकसभा में, वो आखिर 3-4 महीने के बाद ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या गलती हुई, क्या राज्य सरकारों ने काम नहीं किया? देखिए, सरकारों ने काम किया और क्या कारण है हार के पीछे हमारे प्रमुख लोगों के, इसकी तो समीक्षा बाद में होगी। अभी तो हम लोग अपनी सरकार बनाने की स्थिति में हैं और हम लोग सरकार बनाएंगे, पर निस्संदेह हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप रिजल्ट नहीं रहा है और इसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन वहाँ हरियाणा में कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस आप बिल्कुल मरणासन में मान लिए थे, राहुल गांधी के बारे में आप लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे, वही कांग्रेस अब विपक्ष के तौर पर है, आपके आगे पीछे है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस वहाँ सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रही है, कम से कम ये तो एक सांकेतिक तौर पर शिकस्त है। नहीं, ये कोई शिकस्त इसको मैं नहीं मानता हूँ, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है राजनीति में। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हमने तो देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदलने का काम किया, हमने जाति पाति पंथ संप्रदाय को उखाड़ करके फेंक दिया था और विकास की राजनीति को ला करके भारतीय राजनीति के साथ जोड़ा था। लेकिन ये अलग की बात है कि आज कांग्रेस फिर अपने उसी जाति पाति की व्यवस्था को प्रोपोगेट करने में, प्रोपोगंडा करने में सफल रही।
लेकिन सर आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शन हुए, उसके नतीजे भी आए, उसमें भी कहा जा रहा है कि 325 सीटें जीतने वाली पार्टी के खाते में 11 में से उतनी सीटें नहीं आए जैसा होना था। बिहार में देखिए कि आपके MIM छोटा दल है, वो अपनी उपस्थिति किशनगंज में दर्ज करा लिया। गुजरात में 6 सीटों पर चुनाव हुए, वहाँ 3 सीटें कांग्रेस खाते में जाती दिख रही है। एक अच्छा जो स्थानीय जो बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है पर कि स्थानीय मुद्दे उस तरीके से नहीं रखे, स्थानीय मुद्दे गायब हो गए, राष्ट्रवाद के लहर पर ही आप लोग विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। खासतौर से जो बाई इलेक्शन होता है वो जरूर स्थानीय मुद्दे पर ही होता है और स्थानीय चेहरे पर भी होता है। इसलिए राष्ट्रवाद को वैसे भी भारत के हर व्यक्ति में राष्ट्रीयता कूट कूट करके भरा है, और राष्ट्रवाद को आप भारतीय वोटर्स के से अलग करके नहीं देख सकते हैं। बस आखिरी सवाल सर, दिल्ली और झारखंड में विधानसभा चुनाव इसके बाद होंगे, इसका असर किस तरीके से देखते हैं, वहाँ पार्टी किस तरीके से अपना रुख अपनाएगी? देखिए, कोई भी गलती होती है तो लोग उससे सीखते हैं। आने वाले समय में हमारे पास अगर कोई इस प्रकार की जो समीक्षा के बाद कोई बातें आएंगी जिसका कि अनुपालन होना आवश्यक है तो हम प्रिकॉशन लेंगे। तो शास्त्री जी हैं, स्पोक्स पर्सन है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अच्छे परिणाम नहीं रहे हैं उम्मीद के मुताबिक और पार्टी बिल्कुल ऋषिकेश अब समीक्षा की जाएगी। जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के परिणाम सामने आए हैं उसके कुछ ही वक्त के बाद विधानसभा चुनाव होने और विधानसभा के नतीजे इस तरह से ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट्स लेते रहेंगे। तो महाराष्ट्र में तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है लेकिन हरियाणा में पेच अभी भी फंसा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि JJP जो है उसकी भूमिका क्या होगी, किस तरह से किंग मेकर की भूमिका वो निभा पाते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे। नमस्कार।